बीजेपी को घेरने के लिए सोनिया गांधी ने आज विपक्षी पार्टियों को डिनर पर बुलाया है। खाने की टेबल पर सियासत का मेन्यू तय किया जाएगा। सोनिया गांधी के घर आज विपक्षी पार्टियों का डिनर होगा, लेकिन खुद ममता बनर्जी, मायावती और अखिलेश यादव इसमें शामिल नहीं होंगे। ये डिनर डिप्लोमेसी दिल्ली के 10 जनपद में होगी। इसमें 20 पार्टियों को न्योता मिला है। सोनिया गांधी के घर डिनर आज शाम को है। एनसीपी नेता शरद यादव भी ऐसी ही बैठक बुलाने वाले हैं। विपक्ष के कई नेता खुद आने के बजाय अपने प्रतिनिधियों को इस डिनर में भेज रहे हैं। डिनर के जरिए 2019 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को साथ लाने की रणनीति है। सोनिया गांधी की इस डिनर डिप्लोमेसी पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती डिनर में न आकर अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं। मोदी जी विनर कभी नहीं हो सकते हैं। वो ऐसा ही एक लोगों को सप्रेस करके डिक्टेटरशिप से अपने हुकूमत को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस हताशा में, निराशा में अलग तलग पड़ चुकी है, और कितना भी वो डिनर पॉलिटिक्स करे, वो केवल डिनर होगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी विनर रहेंगे।